वेलकम फ्रेंड, टुडे यूजीनेट ने ई सर्टिफिकेट रिलीज कर दी है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हाउ टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट विथ प्रूफ एंड एनेक्सर्स एंड वी विल शो इन दिस. सो गो टू द दिस लिंक यूजीसी ऑफिशियल वेबसाइट yujisinet.nta.nic.in एंड यू विल कम हेयर. दिस इज द राइट साइड पॉप अप यूजीसीनेट ई सर्टिफिकेट एंड क्लिक ऑन दिस. आफ्टर दैट यू विल गेट दिस and you need to fill some UGC net and some you need to 6573 आप कैप्चा को पुट कर दोगे और इस तरह का आप यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएंगे. आप क्लिक करोगे तो इस तरह का देखिए आपको टू सर्टिफिकेट्स मिलेंगे. मैं ऊपर का कुछ डिटेल मेंशन नहीं किया हूं. उसके अंदर जाने के बाद अब एप्लीकेशन नंबर ये सब डालोगे. देखिए यहाँ पर जो जिनके JRF क्वालिफाई होते हैं ना उनको टू सर्टिफिकेट मिलते हैं. फर्स्ट सर्टिफिकेट मिलती है कि आप UGC NET एलिजिबल हो गए, मतलब क्वालिफाई कर गए. और सेकेंड कि आप JRF के लिए अवार्ड लेटर मिलती है कि आपने भी क्वालिफाई किया, तो ये मिलते हैं अवार्ड लेटर आपको. मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ. मैं इसको दिखा देता हूँ आपको. जब आप करोगे ना तो इस तरह का आपको ये मिलेंगे जो फर्स्ट थी यहाँ पर ये. और इसे पासपोर्ट कैसे आप करते हो, जब भी आप पासपोर्ट डालो ना, सपोज डेट आपका नाम राधिका कुमारी है, तो आप RADH फर्स्ट 4 कैपिटल लेटर लोगे और फिर डेट ऑफ बर्थ लोगे सिर्फ 30/01/1990. तो RADH हो जाएंगे 30 मंथ हो जाएंगे 30 डेट हो जाएंगे 01 मंथ हो जाएंगे 1990 में आप विदाउट स्पेस दोगे ये, तो आपके वो PDF ओपन हो जाएंगे. PDF जब ओपन करोगे तब मांगेंगे. ये देखिए ये जस्ट आपने ये दिए हैं, दो सर्टिफिकेट है यहाँ पर. मैं ऑलरेडी बताया हूँ यहाँ पर कि दो सर्टिफिकेट है. फर्स्ट सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर जब जाओगे तो इस तरह का आपको शो होंगे कि आपने ये आपके नाम डिटेल ये सब होंगे इस तरह का. देखिए यहाँ पर बोला कि आप 26/11 इस तरह के एग्जाम में हुए हो, जो एग्ज़ाम आपके मर्ज हुए हैं December 2020-21 में, और आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन से. इस तरह का ये आप पर दिए होंगे और ये JRF लेटर के लिए है कि आपका ये इतने से इतने डेट में PG कंप्लीट हो जाना चाहिए तब ये वैलिड है. इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया और बताया गया है कि आप जब भी MCA में कंप्लीटेड हो या परसिंग थे तो आपके इनके अकॉर्डिंग फिनिश होना चाहिए. पूरे डिटेल होते हैं ना जो JRF लेटर के अवार्ड में हो जाते हैं. इसमें देखिए जब इनमें आइएगा तो JRF लेटर वाले में आपको डेट इश्यू मिलेगी यहाँ पर, और यहीं से आपको मतलब बहुत जानकारी मिलेगी. देखिए सबसे पहले आपका रेफरेंस नाम डिटेल होंगे. अब यहाँ पर देखिए देख लेते हैं. देखिए बोला गया है कि आई एम प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू डेट यू हैव क्वालिफाइड फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीनेट कंडक्ट फॉर December 2020-June 2022 मर्ज सेशन. दोनों सेशन के मर्ज में आपने JRF क्वालिफाई किया है और टेनर ऑफ फेलोशिप इज 5 ईयर्स. ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपका 5 ईयर्स तक आप इसको कर सकते हो. इट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयर ऑफ नेट रिजल्ट. जिस दिन हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मतलब 19 फरवरी 2022 से ये हुए हैं. और इस तरह का है, आप MPhil PhD के लिए आप ज्वाइनिंग जब भी डेट करोगे, ये बता रहे हैं कि एडमिशन अंडर द MPhil PhD फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ओके, जब जिस दिन से डेट ज्वाइन करेंगे उस दिन से आप, और उसके बाद से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मतलब मनी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप PhD और MPhil में एडमिशन लेते हो. ठीक है, आप इसके लिए मेंशन किया गया Annexure 1. यहाँ पर आप जाके इस लिंक को खोल कर देख सकते हो और यहाँ पर Annexure 1 की आपको नीड है, जो फॉरम है. देखिए मैं ये सब डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ से इस साइट को याद रखिएगा. मैं लिंक कर दूँगा कॉमेंट बॉक्स में. और कुछ देख लेते हैं. द वार्ड इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर फुल टाइम. बोल रहे हैं कि आपका ये जो होगा रेगुलर टाइम में MPhil PhD हो गए, उसके बाद ही कोर्स में आप किसी इंस्टीट्यूशन का जो UGC से वेरीफाई होना चाहिए उसका, ये आप इसका JRF का बेनिफिट उठा सकते हो. और ये लिंक सेम दे रहे हैं जहाँ से आपको इनएक्सर जो नीड होगी उनको डाउनलोड करने के लिए. और देखिए इट मे बी डेट फेलोशिप अमाउंट सेल वी डिसबर्स थ्रू द कैनरा बैंक टू द बैंक अकाउंट फॉर अवार्ड एनी बैंक डायरेक्टली. मतलब बोल रहे हैं कि आपको एक कैनरा बैंक का बैंक अकाउंट आपको रखना ही पड़ेंगे, जो आप मतलब एनी मतलब डायरेक्टली मतलब अपना सेल्फ हो या फैमिली का, लेकिन रखने पड़ेंगे इनके लिए कि डायरेक्ट आपको मनी उसी बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा.
EGCI डेवलपर द ये मतलब पोर्टल है आप इनके लिए बैंक के लिए, जहां आपका लॉगिन पासवर्ड ओपन हो जाएंगे। तो आप इस पर क्लिक करके क्या करोगे, ये बैंक की डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ आईडी और पासवर्ड आपको ओपन हो जाती है इस तरह का। EGCI नेट के थ्रू ही आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी जब वेरीफाई हो जाते हैं तब। और कुछ देख लेते हैं इस डिटेल में, ये इस तरह का ये थे, ठीक है। और यही बता रहे हैं कॉलेज डिटेल में फिल करने के लिए। और इनमें कुछ ऐसा है, अगर देखिए ईट में आल्सो भी नोटिस डेट की UGC हैज प्रपोज टू लिंक आधार, आधार भी लिंक बैंक अकाउंट में आपको रहना चाहिए। और इस तरह का एक डिटेल और है, जब देखिए इनमें से मैं कहीं कितने ईयर का जो था वो मैं बता देता हूँ, कहीं एक सेकेंड देखिए, ये देखिए कोर्स इन ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फर्स्ट अवेलेबल बट नॉट लेटर देन 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल के बाद ये नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी का आप यूज नहीं कर सकते। मैं यही आपको इम्पोर्टेंट बता रहा था कि 3 ईयर थे। अब ये आधार लिंक आपके अकाउंट में भी होने चाहिए, और जो आपका डेट दिया गया है ना उनके मतलब ये तो सेक्शन से उनके अकॉर्डिंग आपको आधार इनरोलमेंट ये सब होना चाहिए। देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उनको आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए मतलब वो रिमूव कर दिया जाओगे। इफ द अवार्डी इज द फाउंड द इनएजिबल टू रिसीव अवार्ड एनी पॉइंट ऑफ ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, तो आपको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर दिया जाएंगे, मिसकंडक्ट ऑफ अवार्डी, अगर ये डिपार्टमेंट ने लिख के दे दिया तो उनको भी वो कर दिया जाएगा। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च वर्क, इसमें भी आपको ये कर दिया जाएगा। फेलर इन एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड टू एमफिल पीएचडी, ठीक है, मतलब आपने बीच में ही वो कर दिया, बाउंड कर दिया और कहीं चले गए, इस तरह का भी फेलर अगर हो गए तो आपको वो कर दिया जाएगा। इनकेस एनी अदर फेलोशिप डरा द फ्रॉम, मतलब कोई पैरल फेलोशिप नहीं ले सकते हो, उसके लिए भी ये कर देंगे। देखिए कंसर्नमेंट ऑफ फैक्ट्स इस तरह का रिलेटेड थे ये जेरफ अवार्ड के लिए। अब देखिए जो इनको जो जेरफ को जो लीड हुए हैं वो इनके लिए एनेक्जर 1 क्या क्या फॉर्म भरने की रिक्वायर्ड है ये देखिए। इस तरह का आप यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आ सकते हैं UGC.NE सब पेज नेट जेरफ एनेक्सर, ये मैं लिंक को कमेंट में पिंक कर दूंगा। देखिए एनेक्जर 1 है जो रेट ऑफ फेलोशिप है इनको फॉर्म फिल करने हैं, एनेक्जर 2 ज्वाइनिंग रिपोर्ट करने हैं, एनेक्जर 3 कंटिन्यूस सर्टिफिकेट करने हैं, ये मेन 3 है, 4 HR सर्टिफिकेट है इनको भी करने हैं आपको, हाफ ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट ये आप दे सकते हो, हाफ ईयर होने के बाद ये रिक्वायरमेंट होती है, और आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का ये भी फॉर्म फिल होंगे। और अब देखिए अपग्रेडेशन फ्रॉम JRF टू SRF ये आफ्टर 2 ईयर्स आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट होंगे फेलोशिप के लिए ज्वाइनिंग रिपोर्ट कंटिन्यूस सर्टिफिकेशन HR सर्टिफिकेट, बट कब होगे जब आप PhD या MPhil में एडमिशन ले लोगे, बट MPhil तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2020 गाइडलाइन के हिसाब से, तो PhD में जब आप एडमिशन लोगे उनके हिसाब से ये फॉलो होंगे। तो ये कुछ डिटेल थी, और ये देखिए बैंक है जो कैनरा बैंक के लिए इनवाइट किया गया है, कैनरा बैंक यहाँ पर है, अगर आप वहाँ पर अकाउंट खोलेंगे तो डायरेक्ट डिपॉजिट होंगे, और यहाँ पर आईडी पासवर्ड से आप पूरे डिटेल को देख सकते हैं। तो ये तो गाइस JRF के लिए थी, JRF की डिटेल्स थे ये, और जोन जोन क्वालिफाई किया जिसने सबके लिए थैंक यू मैं बोलता हूँ। और इस तरह के मेरे वीडियो को आप देखते रहिए थोड़े बहुत, और मैं अपडेट करूंगा पेपर 1 पेपर 2 के क्लासेस। और नेक्स्ट जब भी अभी तक NFOBC और अवार्ड लेटर नहीं आई है, कुछ दिन में आने वाली है, तो आते ही मैं बताऊंगा कि उसको कैसे डाउनलोड कर लो और कौन से एनेक्जर फॉर्म, एक्चुअली दोनों के लिए एनेक्जर फॉर्म सेम ही होती है, बट उनके लिए आपको वो मैंडेटरी पहले लेटर तो पब्लिश होने दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, सपोर्ट मी ऑलवेज।